अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सा चीज़ केक, इसको हम सैन सेबेस्टियन चीज़ केक बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे एक बोल में मैंने फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ डाली है। आप कोई सी भी कम सॉल्ट वाली क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं और इसको हम बीट कर लेंगे जब तक कि ये क्रीमी और स्मूथ सी नहीं हो जाती। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी, दही डालेंगे, हैवी क्रीम, और इसको हम दोबारा से बीट करेंगे जब तक कि स्मूथ नहीं हो जाता। अब यहाँ पे मैं एक एक करके अंडा ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी बीटर से। अब इनको आप प्री हीट करने के लिए पहले से जला देंगे, तो आपको 200 डिग्रीज पे अब इनको प्री हीट करना है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और क्वांटिटी है वो आपको वीडियो के एंड में मैंने रेसिपी कार्ड ऐड कर दिया है, वहाँ पे मिल जाएगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑल पर्पज़ फ्लावर या मैदा ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा वेनिला एसेंस। इसके बाद हम दोबारा से बीट करेंगे जब तक कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती और आपका मिक्सचर स्मूथ ना हो जाए। बस आपने ओवर बीटिंग नहीं करनी है इसमें। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है चीज़ केक का। अब हम एक स्प्रिंग फोम बेकिंग पैन लेंगे, इसको इस तरह से बेकिंग पेपर इसमें लगाएंगे क्रम्बल करके, और चीज़ केक का मिक्सचर डाल के इसमें 200 डिग्रीज पे ओवन में अराउंड 40-50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे जब तक कि डन नहीं हो जाता। ये हमारा चीज़ केक बन चुका है। ऊपर से इस तरह से इसका डार्क ब्राउन सा हो जाना चाहिए कलर थोड़ा सा। अब हम इसको सेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में कुछ घंटे के लिए। यहाँ पर हम गनाश रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल में डार्क चॉकलेट चिप्स और मिल्क चॉकलेट चिप्स लिए थे और उसमें हैवी क्रीम डाल के इसको माइक्रोवेव कर लिया था तब तक इस तरह से ये बन ना जाए। बोल मैंने बड़े बोल में चेंज कर लिया था क्योंकि पहले वो छोटा बोल था साइज क्रीम के लिहाज से, तो मैंने इसमें चेंज किया था बोल। यहाँ पर अभी ये हमारा केक जो है ये सेट हो चुका है, इसको हम निकालेंगे और इस तरह से साइड से आप बेकिंग पेपर निकाल दें इसके स्लाइस करके। देखें जब ये सेट हो जाएगा तो इसके स्लाइस बिल्कुल स्मूथ इस तरह से निकलने चाहिए। इस पे गनाश डाल के आप सर्व करें और एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।